हेलो गाइस, एक बार आप देख सकते हैं कि मैं फिर से जो हसरतगंज में यहाँ पे आया हुआ हूँ। आज जो है यहाँ पे 26 जनवरी का जो भी मूवमेंट प्रोग्राम है उसको मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आज क्या क्या मूवमेंट। तो ये देखिए, एक कितना अच्छा शिक्षा संदेश दिया, शिक्षा के विषय में, शिक्षा भिक्षा से शिक्षा की ओर। देखिए, उम्मीद की एक संस्था है, नगर निगम की ये बहुत ही बढ़िया झांकी है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये भी यहाँ पे शामिल हुई थी। और देखिए इनका संदेश कितना अच्छा था संदेश, ये देखिए स्मार्ट क्लास और जो भी इन्होंने यहाँ की, ये भी आज यहाँ झांकी प्रस्तुत की गई है। तो हमने कहा लाइए, ये भी दिखाते हैं हम आपको। और क्या प्राइस आया, क्या स्क्रिप्शन तो नहीं मालूम है, लेकिन जो है इनका मोटिव बहुत अच्छा था। खेल महोत्सव है, सेल्फ संस्था समूह योगी जी की जो संस्था है, और इसके बारे में जो है आपको निरंतर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे भी देख रहे हैं और क्या है। और शुरुआत हमने यहाँ से की है जो कि बड़ी अच्छी है, उम्मीद संस्था है, नगर निगम वालों की है, यहाँ की बनाई गई है। बड़ा ही अच्छा लाइव मूवमेंट है उसका, उसके बारे में मैंने आपको बताया और सुनाया। ज़्यादा ही हो रहा है कुछ यहाँ पे, तो बस आप इसी तरह बने रहिए और हम आपको और अभी आगे देखिए। आप ये देख सकते हैं, प्रस्तुति मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की झांकी बनी थी और ये भी इसमें शामिल की गई थी। और देखिए कितना अच्छी इन्होंने झांकी बनाई थी और कितना अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। वोट बने अभियान, अब हम 18 साल के हो गए, अब हम बड़े हो गए। देखिए सारे इन्होंने संदेश दिया, राष्ट्रीय हाँ मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024 के बारे में बताया है। और ये देखिए वोट फॉर वोट के बारे में बताया है, कितनी बढ़िया इनकी इन्होंने जो है अभी आपको दिखा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं और कितना क्या है इन्होंने। ये देखिए उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी की झांकी है, भाषा विभाग उत्तर प्रदेश है, और इन्होंने भी देखिए कितनी अच्छी झांकी बनाई है और यहाँ पर दर्शाया दिखाया है इसके बारे में। ले लद्दाख दिखाया है यहाँ पे इन्होंने, और पर्यावरण के बारे में बताया है, अकेडमी गतिविधियों के बारे में बताया है, और ये स्थापना दिवस के 1947 के विषय के बारे में बताया है। और ये आगे इन्होंने अपनी झांकी में दर्शाया है वर्तमान स्थिति क्या हो गई, पहले कैसे क्या था और किस तरह से पर्यावरण था, और आज के टाइम में जो है वो किस तरह से लोगों ने जो इसका दुरुपयोग करके और सब बिल्डिंग ही खड़ी कर दी, फसल में उनके का आधार दिखाया। देखिए यहाँ पहले हरियाली थी, अब वहाँ इस तरह की बिल्डिंग बन गई है। तो ये इन्होंने अपनी झांकी में बहुत अच्छा ही दर्शाया और इसके बारे में बताया है। तो देखिए इन्होंने जन संदेश कितना अच्छा दिया है अपने माध्यम से। ये उत्तर प्रदेश हिंदी अकेडमी की झांकी थी और इसके बारे में मैंने बताया और आपको दिखाया। तो चलिए और देखते हैं आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलता है और हम उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप, मैं चाहूँगा कि इसी तरह दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए आज का जो भी हम जन अभियान था और जिसके बारे में बताया और दिखाया है। जन सूचना संपर्क विभाग की झांकी भी निकल रही है देखिए, और इसको भी जो है हमने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। देखिए कितनी अच्छी झांकी है और कितना अच्छा इन्होंने संदेश दे रखा है झांकी पे, तो जिसके माध्यम से जो है हम सबको जो है जागृत किया है। तो देखिए इनका भी एक अलग ही मूवमेंट था और एक अच्छी झांकी थी जिसको कह सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं आगे, हमने दिन में दिखाया यहाँ का, तो हमने कहा लाइए देखें हमारा लखनऊ रात में कैसा लगता है। तो ये देखिए विधानसभा के सामने हम खड़े हुए, कितना खूबसूरत लग रहा है, 7 रंगों में नहाया हुआ है हमारा ये विधानसभा। देखिए कितनी खूबसूरती है रात में, हम लोग यहाँ खड़े होके और यहाँ का जो है हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा मोमेंट है। रात के करीब 8 बज रहे हैं, मुख्य समय यहाँ पर हैं, तो हमने कहा लाइए देखते हैं रात में काफ़ी यहाँ से थोड़ा वीडियो बनाते और आपको शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे भी और भी देखते हैं क्या क्या सजा है हमारे लखनऊ में आज 26 जनवरी के दिन, फिर हम आपको दिखाते हैं।
पूरा हजरतगंज जो है बिल्कुल टूटी और उसी में नहाया हुआ है। तो हम इस जगह पे खड़े हुए हैं हजरतगंज में और यहाँ का एक बिल्कुल अलग ही एक नज़ारा है। बिल्कुल मार्केट पूरी जो है बाजार सजी हुई है और शाम को यहाँ पे काफ़ी रश भी है क्योंकि आज पूरी लोग छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा और थोड़ा एंजॉय करते हैं। देखिए कितना बिल्कुल जो है इस टाइम जो है यहाँ पे सजा हुआ है। बिल्कुल एक अलग ही मोमेंट है और ठंड भी काफ़ी है। मैं रात में यहाँ पे हूँ और जो है इस आपको यहाँ का मोमेंट दिखा रहा हूँ, कवरेज को दिखा रहा हूँ। देखिए आप किस तरह से जो है आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के गोमती के तट पे बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ हैं और छुट्टी का दिन है तो आइए और उसको देख के जाइएगा। बहुत अच्छा मेला है यहाँ, तरह तरह के बच्चों को झूले भी लगे हैं। ये 26 जनवरी की वजह से यहाँ थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया और अभी ये मेला और रहेगा। तो आप लोग आइए, उसका पूरा पूरा जो है आनंद लीजिए और आनंद उठाइए। ये चाहेंगे दोस्तों कि जो भी हमने आज दिखाया या बताया जो भी है देख सकते हैं कि हम अपने चैनल को यहीं पे जो है हम जो है बैंड अप कर रहे हैं। और आज जो भी दिन भर की हमारी मतलब जो प्रोग्राम था गतिविधियाँ थी हमने आपको यहाँ के बारे में दिखाया और हो सका तो रात पे भी हमने दिखाया जो भी सीन हम कैप्चर कर पाए आपको दिखाए। तो बस हम इसी तरह कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आने वाले दिनों के लिए हम और भी अच्छी ब्लॉग आपके लिए बना सके और दिखा सके। और जो भी हमने दिखाया 26 जनवरी के विषय में या संबंध में उसके लिए हमें जरूर कमेंट डाल दिएगा हमारे लिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। वो भी कुछ अच्छी बात आपको तो गाइस हम इसी बात से हम आपकी राय देते हैं। तो फिर एक नए ब्लॉग में फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।